हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यू टेक फॉर यू के एक और एपिसोड में। और आज हम लेके आए हैं गर्मा गर्म टेक न्यूज, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है नूरुल गाइस। पहले हम बात कर लेते हैं पहला टेक न्यूज जो कि आ रहा है फेसबुक की तरफ से। और जैसा कि आपको पता होगा फेसबुक का मैसेंजर, जी हाँ, ये पहले से सेफ एंड सिक्योर था, बट इसमें एक फीचर की कमी थी, वो था इसमें फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन एंड पासवर्ड। जी हाँ, अब आपको मिल जाएगा इसमें फीचर। आप जो है अपने फेसबुक मैसेंजर को फेस से लॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं और पासवर्ड के थ्रू भी लॉक कर सकते हैं। तो गाइज ये फीचर आने वाला है, बट कब मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, अगर आप बीटा यूजर है तो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टेक न्यूज, जो कि बहुत बड़ी टेक न्यूज आ रही है टिकटॉक के मालिक बाइट डांस की तरफ से। जी हाँ, आपने नाम सही सुना, बाइट डांस जो कि टिकटॉक का ही मालिक है और उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और उनका कहना है कि अब जो है इंडिया में वीगो वीडियोस और वीगो लाइट जो है वीडियोस, ये हमेशा के लिए इंडिया में बंद हो जाएगा, वीगो वीडियो और वीगो लाइट। उन्होंने बोला है कि ये जो है अक्टूबर मंथ में ये अप्लाई होगा और ये दोनों ऐप को इंडिया में बैंड कर दिया जाएगा। और ये बैंड क्यों किया जाएगा ये तो फिलहाल हमको पता नहीं है। और गाइस यहाँ पे आपको हम बता दें, ये तीनों ऐप टिकटॉक, वीगो वीडियोज़ और वीगो लाइट, ये तीनों में सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बनता है, फनी बनता है या फिर डांस टाइप की वीडियोस बनते हैं, उसे आप मुजरा भी समझ सकते हैं या फिर ठुमका लगाना भी समझ सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे बाइट डांस का कहना है जितने मतलब वीगो वीडियोस और वीगो लाइट पे जितने यूजर हैं वो सब आ जाए टिकटॉक पे, वो उनका कहना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा टेक न्यूज जो कि आ रहा है गूगल की तरफ से। और गूगल जो है 38 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे ये सभी जो थे वो ऐप वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो इंस्टॉल करते थे यूजर उसमें आते थे मालवेयर, इसके अलावा उसमें आते थे ऐड जो कि वो ऐड बिल्कुल गलत था। अब हम बात कर लेते हैं इस ऐड का, तो ये जो है ऐड था वो किसी थर्ड पार्टी का ऐड था, ना कि वहाँ पे गूगल के द्वारा ऐड दिया गया था, इसलिए जो है गूगल ने इस 38 एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया। अब हम बात करते हैं ये जो है 38 एप्लीकेशन ये कौन कौन सा है, तो इसमें देखिए नॉर्मली जो है इसमें सेल्फी कैमरा हो गया, जो मतलब ब्यूटी के लिए आता है सेल्फी कैमरा, वीडियो एडिटर कैमरा हो गया। और यहाँ पे आपको जानना है कौन कौन सा एप्लीकेशन है तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा ये ऐप का नाम। और यहाँ पे आपको बता दें अगर ये ऐप आपके मोबाइल में है इंस्टॉल तो उसे आप कृपया करके रिमूव कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ, और गाइज अब हम बात कर लेते हैं चौथा टेक न्यूज जो कि आ रहा है Xiaomi की तरफ से। और आपको पता होगा Xiaomi ने पहले मोबाइल निकाला, फिर उसके बाद पावर बैंक, फिर ईयरफोन, हेडफोन और लैपटॉप भी निकाल दिया, और अब जो है वो हैंड फैन जो लॉन्च कर दिया। जी दोस्तों, और आप यहां पे देख सकते हैं आप, और इस फैन में आपको यहां पे 2000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और बैकअप आपको मिल जाएगा, 10 से 12 घंटा का बैकअप मिलेगा। और जहां तक प्राइस की बात हो, इसका प्राइस होने वाला है 750 से 760 रुपया इंडिया में। और गाइज इसमें एक और बात यह है कि इसमें आप जो है कूलर की तरह पानी दे करके आप इस फैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप हैंड फैन या फिर आप रख के इस फैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है फवारा भी आएगा पानी का और ठंडी ठंडी हवाएं भी देगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फैन, प्राइस तो ठीक ठाक है बट हम तो इसे अभी ट्राई नहीं किए हैं, आप ट्राई कीजिए और बताइए करिए कमेंट ये फैन आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।